नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बताया, मैं रुड़की के मच्छी मोहल्ले में खड़े हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं जबरदस्त अतिक्रमण अभियान चल रहा है। यहाँ पर प्रशासन ने कई दुकानें ध्वस्त कर दी हैं। यहाँ पर जेसीबी के माध्यम से प्रशासन ने दुकानें ध्वस्त करी है। जिनकी दुकानें ध्वस्त हुई है, जो क्षेत्रीय पार्षद हमारे साथ हैं जावेद, उनसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। जिस तरह से हम देख रहे थे कि नगर आयुक्त से आपकी बहुत बहस हो रही थी, किस मामले को लेकर हो रही थी, क्या कारण था पूरा? ये जमीन दुकान तोड़ने के लिए है, ये कह रहे हैं नगर निगम की कोई जमीन नहीं है। ये इन्होंने खास बहनावे ले रखे हैं, इनके पास बहनावे हैं, ये सब कुछ है। कोर्ट में इनका केस चल रहा, तो उसमें 26 तारीख लग रही, कोर्ट के इनके आदेश तोड़ने के कोई इनके पास है नहीं, जबरदस्ती है, जबरदस्ती तोड़ रहे हैं बस इनके। अभी हम बात कर, जब आइटम साहब आपसे मांग रहे थे, आप टाइम मांग रहे थे प्रशासन से, क्या मांग थी? हमारा ये कहना था कोर्ट में जो तारीख चल रही उस तारीख को जान, जो तारीख जैसे इनके हक में हो जाएगा तो ये ले लेंगे, हमारे हक में होगा तो हम ले लेंगे, तो वो भी मान नहीं रहे ना। कोई कोर्ट का आदेश दिखा रहे के तोड़ने का, ना नगर पालिका जीतती ना ये हारे, कुछ नहीं है, ऐसे मुकदमा चल रहा है, 26 तारीख उसमें लगी हुई है, लेकिन इनकी जबरदस्ती है, बस जबरदस्ती तोड़ रहे, कुछ नहीं, तो बेवजह तोड़ दिए, मतलब बेवजह तोड़ दी सारी दुकानें। तो अब क्या रहेगा? अब आगे पहले तो हाईकोर्ट, यहाँ भी चल रहा, हाई कोर्ट भी जाएंगे, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। चलिए, जिस तरह से बता रहे हैं कि भाई अगर हाई कोर्ट से करनी होता तो आग जरूरत पड़ी, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, आइए जानते हैं। जिस तरह से मतलब कि सरकारी जमीन थी? नहीं, सरकारी जमीन नहीं है। तो फिर प्रशासन की, प्रशासन साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हमारे साथ जो है अत्याचार हुआ है, ये सही नहीं है। आदेश के अनुसार अगर वो आदेश दिखाते तो हमें कोई वो नहीं करनी थी, पर इन्होंने कोर्ट का आदेश नहीं दिया है और जबरदस्ती दुकानें तोड़ दी हैं। ये MNA की खुली गुंडा कर दी, उस पर कोई ऑर्डर नहीं है और वो जबरदस्ती तोड़ रहा। सुबह से बदतमी कह रहा जी मैं खुद ऑर्डर दे रहा, उससे भी पूछ रहे ना कि भाई तेरे पे ऑर्डर हैगा, वहीं कह रहा मैं दे रहा ऑर्डर, उस पर कोई ऑर्डर नहीं है। SNS साहब पे बिल्कुल गुंडा कर दी से तोड़ रहा, और कुछ नहीं है। ने शाम को आप हमें ऑर्डर दिखा दो, ये जमीन पैसे की ले रखी है, हर दुकानदार ने पैसे की ले रखी, कोई जमीन नगर निगम की नहीं है। नगर निगम की जमीन तो जो असली वो है पुल से लेके जो मच्छी मोहल्ले तक के है, वहाँ से अगर MNA तोड़ता चला जा तो मैं लिख के दे रहा मैं 5 साल लुट के मैंने घुसने का, लेकिन MNA की हिम्मत नहीं है। वो क्या मच्छी मोहल्ला देख के ये हाल है, मच्छी मोहल्ला जैसे बिठाओ यहाँ हाल है, बस उसका काम है और कोई काम नहीं है। फुल गुंडा कर दूँ कह रहा है, हमने उन्हें कहा ना भाई आप ऑर्डर दिखा दो तोड़ने का, यूँ कह रहा मैं दे तो रहा ऑर्डर, क्या जज है MNA साहब, ऐसा थोड़ा कहला मैं ऑर्डर दे रहा, ये तो कहीं से कहीं तक भी नहीं, उनकी वीडियो देखो और उन पर वो मुकदमा करो। आप 2 दिन का समय किस लिए मांग रहे थे प्रशासन से? 26 तारीख कोर्ट के अंदर लगी हुई, कोर्ट का भी तो मान नहीं रहे हैं, उन्होंने जबरदस्ती तोड़ दी। स्टे मिल चुका था आपको? नहीं, स्टे का अभी कोई नहीं मिला। फिर तो प्रशासन ने कार्रवाई कर दी? प्रशासन ने पहले ही कहा, आप स्टे लेने के लिए गए हुए थे। अच्छा, लेकिन 26 तारीख कोर्ट के अंदर लगी हुई उसके अंदर, लेकिन इन्होंने पहले तोड़ दी, 26 तारीख का इंतजार नहीं कर रहे हैं। हमें कह रहे भाई 26 तारीख 2 दिन है, आप 2 दिन का इंतजार तो करो, लेकिन तोड़ दी उन्होंने, गुंडा कर दिया। देखिए, अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई चल रही है इस समय मच्छी मोहल्ले में, यहाँ पर हमारे साथ मुख्य नगर आयुक्त विजय नाथ शुक्ला है, जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दुकानदारों में काफी विरोध दिखाई दे रहा था दुकानें ना तोड़ने को लेकर। साफ तौर पर कहते दुकानें रोक दी जाए, दुकानें ना तोड़े, लेकिन प्रशासन और यहाँ पर पुलिस के जो अधिकारी थे वो यहाँ पर मौजूद थे। हमारे साथ जो मुख्य नगर आयुक्त हैं रुड़की नगर निगम के और SDM रुड़की हैं विजयनाथ शुक्ला जी, सर क्या है पूरा प्रकरण, किस तरह से दुकानें तोड़ी गई, क्या है पूरी कहानी? देखिए, ये दुकानें निगम की ज़मीन में अतिक्रमण करके बनाई गई थी, जिसका पूर्व में मुकदमा भी चला था, माननीय न्यायालय से निगम के पक्ष में आदेश हुआ था, कागज वगैरह सारे निगम के नाम पे हैं। इसको 2 दिन पहले खाली करा के कब्जे में ले लिया गया था और आज इनको डिमोलिश किया जा रहा है। जी सर, दुकानदार जो इनकी दुकानें तोड़ी गई हैं वो कह रहे हैं कि इसको लेकर कोई कोर्ट वोट में तारीख लग रही थी? नहीं, देखिए, अगर कोई हमारे विरुद्ध कोर्ट में गया है तो कोई आदेश लाए हमें कोर्ट का, कोई दिखाए, अगर हमारे पास कोई आदेश दिखाता है तो हम उसका संज्ञान लेंगे, लेकिन उनके द्वारा हमें कोई न पेपर दिखाए गए हैं जो उनके पक्ष में हो, ना कोई आदेश दिखाया गया। तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो नगर निगम की दुकानें, जो नगर निगम की जमीनी दुकानें बनाई गई हैं उन्हें यहाँ पर तोड़ दिया गया है, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके द्वारा कोई भी किसी प्रकार का कोई कागजात नहीं दिखाया गया है।